राधे राधे कुंज बिहारी तिलहदास। आज का हमारा विषय है भूतवाला मंदिर। भूतवाला मंदिर जो है आप लोग उसे जानते हो या नहीं जानते हो तो मैं आपको बताने के लिए बैठी हूँ। भूतवाले मंदिर का जो ओरिजिनल वास्तविक नाम है वो गोविंद देव जी मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। आपको रंगजी चौराहे के पास मिलेगा और रंगजी चौराहे से अगर आप गोविंद देव जी मंदिर जा रहे हैं तो देखिएगा दाहिनी तरफ ही हनुमान जी विराजमान है। वो क्यों विराजमान है उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये मंदिर का एक ही रात में भूतों ने काफ़ी मंजिल बना दी थी। जब रात में भूत उन्हें आया प्रेरणा मिली कि हमें भी ठाकुर जी के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने वो मंदिर ठाकुर जी ठाकुरानी के लिए ही बनाया था। वो बना रहे थे तो उन्होंने एक दिन कुछ घंटी की आवाज़ सुनी। प्रातः होने ही वाली थी तो आप तो जानते हैं कि भूत हमेशा जैसे कि रात में ही अपना काम करते हैं, वो दिन के समय सूर्य में नहीं आते हैं। तो जैसे ही उन्होंने एक मंदिर से घंटी की आवाज़ आ रही थी तो उन्होंने जैसे ही सुनी तो जितना ही वो मंदिर बना पाए उस पूरी रात में, वैसे ही वो जितना बना अनकम्प्लीट था वैसे ही वो छोड़कर चले गए। और तब से यहाँ पे पूजा हो रही है। वैसे माना जाता है कि गोविंद देव जी में जो भी छवि है वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जब मुगल प्रशासन था उस समय मैंने आपको जैसे बताया था कि वृंदावन से ज़्यादातर ओरिजिनल छवि जयपुर चली गई थी, कुछ वहाँ से आई और कुछ नहीं आ पाई। तो यहाँ की भी छवि जयपुर चली गई है। वो गोविंद देव जी मंदिर जो जयपुर में है ओरिजिनल छवि आज भी वहाँ है, पर इसमें आज भी माना जाता है कि 6 बजे के बाद आज भी इस मंदिर में भूत लगते हैं, ठाकुर जी ठाकुरानी की सेवा करते हैं, क्योंकि इस मंदिर में माना जाता है कि राधा रानी और कृष्ण जी आज भी विश्राम करने आते हैं तो भूत उनकी सेवा में रहते हैं। पहले क्या था, पहले भी सेवा करते थे पर ये कभी कभी मंदिर से बाहर आ जाते थे रात में, तो ये परेशान करते थे भक्तों को। तो भूत उस मंदिर से बाहर ना निकले इसीलिए जो मैंने आपको कहा कि उनके पास ही हनुमान जी बैठे हुए हैं, इसीलिए हनुमान जी विराजमान है कि भूत ठाकुर जी ठाकुरानी की सेवा करें पर उस मंदिर से बाहर न निकले और किसी भी अन्य भक्त को परेशान न करें, इसीलिए हनुमान जी वहाँ पे बैठे हैं। जैसे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहते नहीं है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो सिंपल सी बात है। इसीलिए गोविंद देव जी मंदिर के पास हनुमान जी बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर छवि है हनुमान जी की। आप कभी जाएं तो साथ साथ गोविंद देव जी के दर्शन तो करें ही करें और साथ ही में हनुमान जी के भी दर्शन करें। और यही गोविंद देव जी की कथा थी इस मंदिर से रिलेटेड। अगर वृंदावन के बारे में आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि कुंज बिहारी सिंह हरदास लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग कुंज बिहारी सिंह हरदास लिखते तो थोड़ा मैं इंस्पायर हो जाती हूँ ठाकुर जी और हमारे स्वामी जी का नाम देखकर, क्योंकि स्वामी जी को मैं आपके पिता मानती हूँ, मैं उनको वैसे भी बड़े पापा बोलती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में कुंज बिहारी सिंह हरदास लिखना ना भूलें। और अगर कोई भी अन्य जानकारी चाहिए या किसी अन्य त्यौहार के बारे में आप जानना चाहते हैं या तटिया स्थान के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी रिलेटेड, कोई भी तटिया स्थान से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। कल हम फिर आएंगे और कल हम फिर आपसे ऐसे ही मंदिरों के बारे में बात करेंगे। कल हम गोपेश्वर महादेव के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सखी का भेद रखा था। फिलहाल इस कथा के बारे में हम कल बात करेंगे। तो ऐसे ही आपसे हम डेली मिलते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो आती रहे। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे कुंज बिहारी सिंह हरदास।